नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। और आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था लाइब्रेरी से। मैं गोविंद को लाइब्रेरी लेकर गई थी, जहाँ पे उसने बहुत सारा फन किया, स्टोरी सुनी, प्रोजेक्ट बनाया। आजकल ना यहाँ पे इसने रेनडियर बनाया है। तो आजकल यहाँ पे ना क्रिसमस थीम सब कुछ चल रहा है, क्योंकि क्रिसमस आने वाला है। तो स्कूल और लाइब्रेरी दोनों में ही क्रिसमस स्टोरीज, राइम्स और प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो यस भाई साहब, आज रेनडियर बनाकर आए हैं। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सारा कंसर्न शो किया मेरे पैर के लिए। आई एम लाइक 95% ओके, फिट एंड फाइन। बट येस, मैं डॉक्टर को ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि एक बार डॉक्टर से दिखा के पूरा प्रॉपर चेकअप करा लेंगे, जिससे कि पता चल जाएगा कि जस्ट ये स्प्रेन था और कोई और बड़ा इशू नहीं हो। क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि ना हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ हो और दर्द लॉन्ग टर्म के लिए रह जाता है। तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम डॉक्टर को ज़रूर दिखाएंगे। तो आज आते आते काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, तो मैं जल्दी जल्दी चलती हूँ किचन में, क्योंकि मुझे बनाना है लंच। और बाहर बहुत क्यूट सा एक बनी बैठ के ना लीफ खा रहा है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। आज लंच में बन रहा है पालक पनीर। मैं बहुत ही इजी तरीके से बनाती हूँ, तो क्विकली इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो कुकर में मैंने लिया है करीबन 400 से 500 ग्राम पालक, और इसके अंदर मैंने एक टमाटर ऐसे रफली चॉप करके ऐड किया है। और अब मैं इसके ऊपर से आधा कप करीबन पानी डाल रही हूँ, और अब हम इसे ना प्रेशर कुक करेंगे जस्ट फॉर वन विसल, नॉर्मल मीडियम फ्लेम पे। पालक पनीर के लिए मैंने वेजीज चॉप कर लिए हैं, एक मीडियम साइज अनियन, जिंजर गार्लिक थोड़ा थोड़ा, और मैंने 2 ग्रीन चिलीज यहाँ पे चॉप करी हैं। और एवोकैडो का मैं आटा लगाने वाली हूँ, तो यहाँ पे मैंने 2 एवोकैडोज का फ्लैश लिया है, थोड़ी सी कसूरी मेथी, अजवाइन और नमक ऐड करके इसका अच्छा सा एक डो बना लूंगी मैं। तो ये देखिए, ये पालक और टमाटर है जो मैंने अभी ब्लांच किया था, ठंडा होने के बाद इसे मैंने अच्छे से पीस लिया है मिक्सी में, और आप देख सकते हैं कितना ब्राइट ग्रीन कलर है। अब इसकी फटाफट से हम तड़का तैयार करते हैं। पालक पनीर का तड़का मैं देसी घी में तैयार करती हूँ। तो घी में मैंने हींग, जीरा, जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज डाली है, और अब 2-3 मिनट इसे सॉटे कर लूँगी, जिससे कि रॉ फ्लेवर निकल जाए गार्लिक का। और उसके बाद मैंने इसमें अपना प्याज भी ऐड कर दिया, थोड़ा सा नमक ऐड करके इसे भी अच्छे से सॉटे कर लूँगी। आप चाहें तो तड़के में एक और टमाटर काट के ऐड कर सकते हैं, बट उससे जो ग्रेवी है काफ़ी ज़्यादा खट्टी हो जाएगी, क्योंकि हम लोग एक टमाटर ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं पालक के साथ ब्लांच करके। तो मैं तड़के में कोई भी टमाटर ऐड नहीं कर रही हूँ। और इस सब्ज़ी में मुझे सिर्फ बेसिक मसाला, एक कोरिएंडर पाउडर डालना पसंद है, तो बस कोरिएंडर पाउडर, ग्रीन चिली और नमक, दैट्स इट। इसी से ही इस सब्ज़ी का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बट इट इज़ ऑल पर्सनल चॉइस। आप और मसाले ऐड करना चाहते हैं तो अपने विश से और भी ऐड कर सकते हैं। और बस प्याज भुनने के बाद मैंने इसमें अपनी प्योरी डाल दी है, अब पानी डाल दूँगी थोड़ा सा, और अपनी जो ग्रेवी है उसको एडजस्ट कर लूँगी। एंड ट्रस्ट मी, ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा स्प्लटर करती है, तो आप इसमें पानी ऐड करते ही इसे कवर कर दें, अदरवाइज़ आपका पूरा गैस स्टव बिल्कुल ग्रीन कलर का हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी छींटे बाहर आती हैं। और बस देखिए, ग्रेवी अच्छे से पक गई है, तो इसमें मैंने पनीर मिला दिया है और घर का बना हुआ गर्म मसाला, और लास्ट में इसमें मैं 1 चम्मच बटर ऐड करूँगी। आपके पास मलाई है घर की तो मलाई भी ऐड कर सकते हैं, इससे सब्ज़ी का ना टेस्ट दुगना हो जाएगा। और थोड़ी देर के लिए इसे मैं कवर कर दूंगी, बस 2-3 मिनट के लिए सिम फ्लेम पे रख के। और यहाँ पे मेरी गर्मा गर्म टेस्टी पालक की सब्जी बनके तैयार हो गई है। और यहाँ पे मैं अपनी रोटियाँ भी बना के तैयार कर रही हूँ। आज एवोकैडो का आटा बनाया था, तो एवोकैडो का आटा आपने इस तरीके से लगा के रख लिया, उसके बाद आप चाहे इसके पराठे बनाए चाहे रोटी बनाए, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जैसे नॉर्मल आटे का आप बनाते हैं, उसी तरीके से आप इसकी भी बना सकते हैं। आई डोंट नो ये अनयूजुअल सी रिक्वेस्ट कितने बच्चे करते हैं। अगर आप लोगों के बच्चे भी ऐसा कुछ क्रेजी करते हैं तो उनकी स्टोरीज आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करना। और पता है आपको, डोरिटोज भी ना स्पून से खाया जा रहा है, ये देखो। खाना तो मुझे खिलाना पड़ रहा है, बट डोरिटोज अपने आप स्पून से खाए जा रहे हैं, कितना इनोवेशन है ना। तो अब फाइनली मैं गोविंद को सुला कर आई हूँ, और सुबह से ना काम करते करते ये टाइम हो जाता है,
जिस दिन गोविंद को स्कूल और लाइब्रेरी लेके जाना होता है ना, उस दिन तो समझो सुबह मेरे को रेल बनी रहती है। सुबह 6 6:15 तक उठो, क्योंकि अंशुल निकलते हैं बाय 6:45 या 7 तक मैक्स वो निकल जाते हैं। उसके बाद बस फटाफट से किचन क्लीन करो, अपना ब्रेकफास्ट बनाओ, गोविंद का ब्रेकफास्ट बनाओ, उसको उठाओ खिलाओ, और बस किसी तरह शावर लेके हम लोग हिट कर पाते हैं उसका स्कूल या लाइब्रेरी। क्योंकि उसकी क्लास ना स्कूल में भी 10:30 स्टार्ट होती है, तो हम घर से 10 o'clock तक निकल जाते हैं, और लाइब्रेरी में भी स्टोरी टाइम 10:15 पे स्टार्ट होता है, तो 9:50 या 9:55 तक हमें मैक्स निकलना रहता है, जिससे कि 10 मिनट में हम लाइब्रेरी पहुंच जाएं। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहता है मंडे ट्यूसडे और फ्राइडे, तो ना मॉर्निंग का पूरा टाइम गोविंद के साथ निकल जाता है, क्योंकि फिर आते आते 12:15 12:30 हो जाता है, फिर फटाफट से किसी तरह लंच बनाओ, गोविंद को खिलाओ सुलाओ, और उसके बाद थोड़ा सा टाइम मिलता है बैठने का। और मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे ना हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब है, यहाँ से ना देखो पूरी स्किन निकल जाती है पता नहीं क्यों, और पूरी यहाँ से पूरा ना मेरे नेल्स खराब हो जाते हैं, और फिंगर्स में बहुत पेन होता है, मतलब इतना ज़्यादा पेन होता है कि ना ब्लड वगैरह भी आने लग जाता है, देखो सारी फिंगर्स खराब हो जाती हैं। तो मैंने अपने सारे नेल्स कट किए, और मैं वॉलग्रीन से ये वाली क्रीम लेकर आई, वर्किंग हैंड्स वाली, काफ़ी अच्छी है, थिक मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, तो बस 2 बार मैं इसे दिन में अप्लाई करती हूँ, एक बार तो नहाने के बाद और एक बार सोते टाइम, आज उतना भी टाइम नहीं मिला था इसीलिए अभी लेकर बैठी हूँ, बस थोड़ा सा अप्लाई करूँगी, तो उससे काफ़ी ज़्यादा मुझे इम्प्रूव लग रहा है, अपने 2 दिन से मैं यूज़ कर रही हूँ, तो थोड़ा सा फटना कम हुआ है, और मेरे नेल्स ना बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अगर आपने यहाँ की लेडीज़ का देखा होगा ना, परफेक्टली मेनिक्योर्ड हैंड्स रहते हैं विद परफेक्ट नेल्स, बट मैंने कभी 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 भी सैलून जाके ना नेल्स वगैरह नहीं कराए, मुझे लगता है यार ये सब वेस्ट ऑफ मनी है, खुद ही घर में थोड़े से नेल्स बढ़ा लो और नेल पेंट लगा लो ना, उसी से हाथ अच्छे लगने लग जाते हैं। बट अभी तो मैंने नेल्स कट कर रखे हैं, क्योंकि मुझे ना ब्लीडिंग हो रही थी फिंगर्स के टिप से, तो फिर मैंने अभी नेल्स वेल्स कट कर दिए, और आज मैं ना अपनी एंगेजमेंट रिंग निकाल के लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये मेरी एंगेजमेंट रिंग है जो मुझे अंशल ने पहनाई थी ड्यूरिंग आवर एंगेजमेंट, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है सैटरडे को 14 दिसंबर को, तो मैंने सोचा ये रिंग निकाल के मैं पहनती हूँ। ये ना पहले मैं परमानेंटली अपने हाथ में पहनती थी, बट अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ से इसका ना एक डायमंड निकल गया। डेली में पहनने पे ना ये सब डायमंड की रिंग्स ऐसे खराब सी हो जाती है, तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ही प्रीशियस है और इसको मैं ऐसे खराब नहीं कर सकती, तो मैंने इसे उतार के रख दिया कि कभी कभार ऑन स्पेशल ओकेजन्स में इसे पहनूंगी। तो करवा चौथ पे पहनी थी, अब सोचा है थोड़ा सा एंगेजमेंट तक इसे अपने फिंगर में डाल के रखती हूँ। और ये देखिए, मुझे बहुत अच्छी लगती थी जब एंगेजमेंट हुई थी ना हमारी, तो उस टाइम से लेके मैंने ऑलमोस्ट शादी के 1.5 साल तक इसे कंटिन्यूअसली अपनी फिंगर में पहन के रखा, बट अब कुछ टाइम से निकाल दी थी, क्योंकि जब मैंने इसे देखा ना कि एक डायमंड निकल गया, तो आई वॉज सो सैड, फिर मुझे लगा यार धीरे धीरे करके सारे डायमंड निकल जाएंगे, और ना ये रिंग्स ना फिर ठीक नहीं हो पाती, मतलब इनके डायमंड्स ना लग नहीं पाते वापस से। मैंने एक बार शादी से पहले जो एक रिंग पहनती थी उसका भी निकल गया था, तो लगवाने की कोशिश की थी, बट वो रुकते नहीं है, तो ज्वेलर्स मना कर देते हैं कि ये रिंग आप पहन लो जितना पहनना है, उसके बाद फिर आप सेल आउट कर दो और नई ले लो। और ये वाली जो रिंग है ना, ये मेरी मदर इन लॉ ने दी थी मुंह दिखाई पे। हमारे यहाँ पे जब नई दुल्हन पहली बार ससुराल जाती है ना, तो ससुराल वालों की साइड से सब लोग दुल्हन को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं, तो मदर इन लॉ ने मुझे ये वाली रिंग दी थी, और ये वाली भी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, स्लीक सी छोटी सी डेली यूज के लिए, तो मैं डेली में यही वाली पहन के रखती हूँ। तो दोपहर को मैंने थोड़ी देर बैठ के आराम कर लिया, और वापस से शाम का टाइम हो गया, शाम के काम अब स्टार्ट हो गए। गोविंद सो के उठ गया, तो उठते ही मैं उसको दूध दे देती हूँ, क्योंकि वो रात में फिर दूध नहीं लेता, तो इस टाइम पे दूध देके फिर उसे बाद में डिनर करा देती हूँ। तो आज उसके लिए सिंपल चॉकलेट मिल्क बना रही हूँ बॉर्नविटा ऐड करके। गोविंद को ना दूध वगैरह मैं इस छोटी वाली गिलासी में देती हूँ, तो वो आराम से अच्छे से होल्ड करके पी भी लेता है, और ना इसमें आवाज़ होती है तो उसे अच्छा भी लगता है। ये ना मैं इंडिया से लेकर आई थी उसके लिए, क्यूट है ना बहुत।
और आजकल अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है तो शाम की आरती भी जल्दी हो जाती है। और आप लोग मुझे पूछते रहते हैं कि मैं मंदिर किस डायरेक्शन में रखती हूँ, मंदिर का सेटअप मैं अपना दिखाऊं, तो मैं श्योर आपको किसी वीडियो में अपने मंदिर का सेटअप ज़रूर दिखाऊंगी। वैसे मैंने ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखा है और शाम का ये टाइम ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब मंदिर की लाइट्स जला के मैं 10 मिनट बस भगवान को याद करती हूँ बैठ के, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और पूजा वगैरह करने के बाद 7 o'clock के अराउंड डिनर सर्व कर दिया था, और आपने देखा ही था डिनर तो मैंने बना ही लिया था, पालक पनीर दोपहर में और बस रोटियां सेकी थी। और अब मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म हल्दी वाला दूध, हल्दी ग्रेट करके इसके अंदर मैंने खजूर मिलाया है कट करके, और देखिए गर्मा गर्म दूध मेरा तैयार है। ये मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैं अपना हल्दी वाला दूध बनाकर लेकर आई हूँ, अंदर आई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि बाहर अंशुल और गोविंद खेल रहे हैं और बहुत शोर कर रहे हैं। अंशुल को भी बनाकर देकर आई हूँ, उनके लिए अलग से बनाया क्योंकि ना उनको हल्दी के फ्लेक्स पसंद नहीं है दूध में। मुझे बॉदर नहीं करते, मैं तो बिना छाने पी लेती हूँ, बट उनके लिए छान के उनको सर्व करके आई हूँ। और अगर आप विंटर नाइट्स में ये वाला दूध पीकर सो गए ना, तो समझो सोने पे सुहागा। दूध तो पियो ही पियो, बट हल्दी वाला दूध और भी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स आपको देगा। गला, कान, नाक कुछ खराब नहीं होगा, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। आई विश गोविंद भी पीता होता तो उसे भी थोड़ा सा दे देती, बट यू नो बच्चों को ना दूध पिलाना तो सबसे ज़्यादा टफ टास्क होता है, तो उसको मैं शाम को ना थोड़ा सा हल्दी के साथ कभी कभी बॉर्नविटा दे देती हूँ, कभी कभी सिंपल बॉर्नविटा दे के पिला देती हूँ। एंड यस, मेरी वेडिंग एनिवर्सरी, 4th वेडिंग एनिवर्सरी है सैटरडे को, एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर दैट। और मैं आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। मैं अभी श्योर नहीं हूँ, तो इस व्लॉग में मैं वो न्यूज़ नहीं ब्रेक करूँगी, नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जब मैं भी पूरी तरीके से श्योर हो जाऊँगी। एंड आई एम श्योर आप सब लोग बहुत खुश होंगे उस गुड न्यूज़ को सुनने के बाद। आप लोग अपने गेसेस मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई वुड लव टू रीड कि आप लोग क्या सोच रहे हैं कि मैं क्या शेयर करने वाली हूँ। एंड येस, आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड टू ब्रेक दिस न्यूज़ इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, बिकॉज आफ्टर ऑल आप सब मेरी एक फैमिली हो ना। एंड येस, एनिवर्सरी के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अंशुल ने कुछ कुछ बहुत अच्छा प्लान किया है। हम लोग ना आपस में सीक्रेट्स नहीं रखते, वी आर नॉट सीक्रेट्स कपल। हम लोग जो भी कुछ करना होता है ना, तो बता के करते हैं। पता नहीं स्टार्टिंग से ही कभी हमने सीक्रेट्स रखे नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि एनिवर्सरी या बर्थडेज पे वो मेरे लिए कुछ सीक्रेट रख रहे हैं या मैं। हम लोग जो भी कुछ भी गिफ्ट भी खरीदना होता है ना, तो हम लोग ये सोचते हैं कि यार कुछ यूज़फुल चीज़ ले लें जो कि वो यूज़ भी हो जाए और वो अच्छा भी रहे एज अ गिफ्ट। तो या वी आर लाइक दैट, हम लोग बहुत सरप्राइजेज या ऐसे फ्लावर्स वाले कपल नहीं है, हम लोग बिल्कुल प्रैक्टिकल वाले कपल है। हम लोग बहुत सोच समझ के गिफ्ट खरीदते हैं यूज़ वाले। तो येस, आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर सैटरडे एंड आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट डे। एंड डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ भी अपना एनिवर्सरी व्लॉग शेयर करूंगी, बट वॉच आउट करिएगा नेक्स्ट व्लॉग के लिए, मैं उसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अभी। तो बस यही था, और इसके साथ इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। होप करती हूँ आपने इन्जॉय किया होगा। अगर इतना सा भी आपने स्माइल किया ना इस ब्लॉग को देख के, तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी लोगों के साथ जिन्हें आप प्यार करते हैं और हंसाना चाहते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और अगर आप कोई भी मेरी रेसिपी या कुछ भी जो मैंने रिकमेंड किया है वो यूज़ करते हैं या कुछ भी शेयर करते हैं ना मेरे चैनल से, मेरे वीडियोज़ से रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझे उसके फ़ोटोज़ ज़रूर सेंड किया कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पे आप लोगों के जो फ़ोटोज़ वगैरह मुझे रिसीव होते हैं ना, मैं स्टोरीज़ पे फीचर करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड ब्लेसिंग्स दैट यू गिव टू आस। एंड फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप ढेर सारा ख्याल रखिए, बाय बाय, गुड नाइट, और हल्दी वाला दूध ज़रूर पीजिएगा सर्दियों की रातों में।